लखपति दीदी योजना 2023 योजना में नए आवेदन हुए शुरू। सरकार देगी महिला को फ्री ट्रेनिंग के साथ 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जानें इस योजना के बारे में। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को। लखपति दीदी योजना 2023 योजना में नए आवेदन हुए शुरू। सरकार देगी महिला को फ्री ट्रेनिंग के साथ 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जानें इस योजना के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। जयपुर लखपति दीदी योजना का शुभारम्भ कर दिया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की गरिमा में उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को समाज और प्रदेश और देश में समृद्ध बनाना और महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। लखपति दीदी योजना से महिलाओं को अपना उद्योग धंधा और काम कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगी। लखपति दीदी योजना 2023 का इंतजार समाप्त हो गया है। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि महिला अपने स्वयं का उद्योग धंधा या बिजनेस स्टार्ट कर सके। मोदी सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की घोषणा होने के बाद इसे प्रत्येक राज्य में लागू कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण SHG मिशन शुरू किया गया है। इसमें 2 नई महिला सदस्यों को SHG से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्हें सरल ऋण सुविधा और मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का शुभारम्भ 23 दिसम्बर 2023 को कर दिया गया है। महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी भारत की 2 करोड़ माताओं और बहनों को रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का कार्य किया जाएगा। अभी तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए हैं। महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के मध्य से न्यूनतम दर पर 1,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे जुड़ी महिला उद्यमियों से संवाद किया है। उन्होंने सम्मेलन में दुग्ध उत्पाद, लकड़ी उत्पाद, ब्लू पोल्ट्री, मीनाकारी, कोटा डोरिया, वाटर शेड, उद्यम संवर्धन, डिजिटल फाइनेंस एवं वित्तीय समावेश, कशीदाकारी, वन धन विकास योजना, महिला किसान उत्पादक संगठन, मार्बल उत्पाद, जूट उत्पाद, दरी और कालीन, बाजरे के उत्पाद, राली उत्पाद, पेटू आर्ट, टेराकोटा की स्टॉल का अवलोकन कर महिला को प्रोत्साहित किया है। लखपति दीदी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। लखपति दीदी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। लखपति दीदी योजना के लिए पात्रता। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल महिला ही को ही दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना 2023-24। लखपति दीदी योजना का शुभारंभ राजस्थान में कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकती है। राजस्थान लखपति दीदी योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जल्द ही विस्तृत जानकारी या दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र से जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकती है। लखपति दीदी योजना राजस्थान 2023 को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट से कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना से संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।